सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी सीयूईटी चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवरअप करने वाले हैं सीयूईटी 2023 के लिए करंट अफेयर, और आज रहने वाला है 13 दिसंबर का करंट अफेयर। तो आप सभी लोग को मालूम होगा इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग को यार आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन के सेक्शन 3 के अंदर जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे उसकी प्रिपरेशन डेली होते रहेगी। तो आप लोग को यार करना क्या है, डेली बस वीडियोस को देखते हुए चलो, जिससे कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप लोग की डे बाय डे होते रहेगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम एकदम से जब बर्डन आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप डेली यार 5 से 7 मिनट तो निकाल सकते हो करंट अफेयर के इन वीडियोस को देखते रहे। प्यारे प्यारे क्लिप्स आप लोग के अंदर लेकर आता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। सो चैनल को सब्सक्राइब मारें और इसी के साथ यार दोस्तों को भी शेयर करें कि भैया इस चैनल पर आप लोग के लिए फ्री कॉन्टेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरंभ बैच बहुत जल्दी आने वाला है। सो रहे इस चैनल पे सारी अपडेट्स मिलने वाली है, तो अन अकेडमी के साथ जुड़े रहे, बहुत जल्दी आप लोगों को मेजर अपडेट्स मिलने वाली है इसके रिगार्डिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार, इतना प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए ला रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो आप लोगों को पता होगा, या जिसको नहीं पता मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यार यूएई ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना पहला फर्स्ट एवर अरब बिल्डेड लूनार स्पेस क्राफ्ट। तो ये अरब वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हो कि अरब वर्ल्ड में भी लास्ट टाइम भी यार अपने सैटेलाइट्स भेजे गए थे, इस टाइम अरब वर्ल्ड ने अपने एंड से लूनार स्पेस क्राफ्ट बनाकर भेजा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेस एक्स के साथ मिलकर ये काम हुआ है, क्योंकि स्पेस एक्स का जो फैलकॉन 9 रॉकेट है उसके थ्रू ये कैरी आउट किया गया था स्पेस में। तो अरब वर्ल्ड, अब देखो ऐसा होता है कि जैसे यूएई ने ये काम किया है तो जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं ये खुशी मनाती है कि भाई अरब वर्ल्ड में कुछ नया हो रहा है, कुछ सक्सेसफुल चीज़ें हो रही है। आप जानते हो कि अरब वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीज़ें थोड़ी सी पीछे है। आप जानते होंगे जैसे अरब वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो वो सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मोरक्को अभी सेमीफाइनल में आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप में चले गई है, तो मोरक्को दूसरी कंट्री है, लेकिन बाकी अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ भी सेलिब्रेट कर रही है, बिकॉज कि एक अरब वर्ल्ड की कंट्री यार पहली बार सेमीफाइनल में गई। तो अरब वर्ल्ड के लिए ये फिर से सेकंड सबसे अच्छी बात निकली है कि उनका खुद का एक लूनार स्पेस क्राफ्ट पहुँच चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यूएई। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगली हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, इन्होंने यार 6th वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर चुके हैं। आप जानते होंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सप्रेस वे बन चुका है आज के टाइम में ट्रेन नेटवर्क के लिए, और 6th नंबर की वंदे भारत ट्रेन को हमारे पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ करें, जो नागपुर से बिलासपुर के रूट में रहेगी। अब आप बोलोगे नागपुर कहाँ, तो नागपुर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर बिलासपुर मतलब कि छत्तीसगढ़ तक के ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नागपुर के रहने वाले हो तो भैया बिलासपुर घूम के आ जाना, ठीक है, और अगर आप बिलासपुर के हो तो भैया नागपुर घूम लेना, क्लियर है भाई। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और क्या आपके शहर के आसपास से और मतलब इससे पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी वो और एनोग्रेट हो चुकी है, फ्लैग ऑफ हो चुकी है, तो आप मुझे बताना आपके शहर के आसपास कहीं से जा रही है क्या, ठीक है जी। तो अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे आप जानते होंगे कल ही के दिन आई थिंक राज्यसभा में पीटी उषा ने अपनी ओथ भी ली है, और वाइस प्रेसिडेंट ने उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी करे थे। इसी के साथ साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आती है कि पीटी उषा जो है ये इलेक्ट हो चुकी है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए और साथ ही साथ वुमन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यार वुमन को रिप्रेजेंट करने की सबसे पहली जो पीटी उषा जी थी वो ओलंपिक में गई थी। आप बताइएगा मुझे किस ईयर गई थी और क्या वो उस टाइम पे मेडल जीत पाएगी थी कि नहीं, और एशिया जो टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें कितने बार उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आई, ये आप लोग को मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे ओलंपिक लेवल पे एक कमेटी होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी एक सब ब्रांच है जो हर कंट्रीज़ में होती है, तो ऐसे इंडिया में है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन चुकी है पीटी उषा जी, और ये बहुत गर्व की बात है कि पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है पीटी उषा जी IOA की, तो याद रखिएगा इसको, आ सकता है एग्ज़ाम में, क्लियर है भाई। इसी के साथ साथ अगर आप जानते होंगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल बना दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो
इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना, है ना। जो चीफ मिनिस्टर है उनने अभी इनोग्रेट करे हैं कंट्री का पहला चार्टेड गेटवे और साथ ही साथ बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है केरल के लिए। इसी के साथ साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि जो फॉर्मर सीएम थे मनोहर परिकार जी, उनके नाम पर गोवा के एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मोपा मतलब वर्ड कैसे आया, तो मनोहर जी और पराकर उनका सरनेम को मिला मुलू के बना दिया गया। क्लियर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोग के लिए। क्लियर है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद गए थे इनॉग्रेट करने इस चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोगों को कभी कभी चीज़ें पूछी जा सकती है, कोई भी यार एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी, तो ऐसे ना कई बार कौन से एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, शहर का नाम बदल दिया गया, तो कई बार ना इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। सीयूटी में एकदम यूपीएससी लेवल का तो पूछेगा नहीं, इसलिए आप देखते होंगे मैं बेसिक लेवल का करंट अफेयर आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। इसी के साथ साथ अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वुमन की सिग्नेचर उनके बैंक नोट्स के अंदर आई है। तो दो वुमन की यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको, तो इन्हीं के सिग्नेचर्स 1 डॉलर और 5 डॉलर की वैल्यू के जो नोट्स है, करेंसी नोट्स है, उसमें इनके सिग्नेचर डाले गए हैं। तो पहली है अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी भी है जिनका नाम जेनेट है, और साथ ही साथ लेनिन मेलबेरा जी है, इनका भी डाल दिया गया। क्लियर है भाई, प्रोनंसिएशन गलत हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ साथ यार याद रखिएगा कि जो यूएसए के करेंसी नोट्स होते हैं, इसको ना ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे कि एक नए वर्ड से बोला जाता है, तो उसको ग्रीनबक वर्ड से भी डिनोट किया जाता था, याद रखिएगा। क्लियर है भाई, तो यहाँ तक यदि आप लोग की आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ यार अनअकैडमी पे आप लोग जानते हो कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू बैटल लेकर आ रहा हूँ। तो इस बार जो रहेगा वो 17 दिसंबर को रहेगा, मैक्सिमम लोग छूट गए थे लास्ट टाइम, तो यार 17 दिसंबर को अभी जो इस वीक का जितना भी करंट अफेयर रहेगा मैं 17 तारीख को कवरअप करवाने वाला हूँ 8 बजे। सैटरडे के दिन रहेगा, आधे घंटे का टेस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कुछ पे वे नहीं करना है। और अगर आप लोग को वहाँ पर एनरोल करते टाइम कोड मांगता है तो एनरोल के लिए आप लोग कोड यूज़ करिएगा, फ्री एनरोल कोड है ZQLive। तो ZQLive कोड को जैसे ही यूज़ करोगे तो आप लोग यार इस क्लास को एक्सेस कर पाओगे फ्रीली। ये एक वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू बैटल है, जितना भी आप लोग का कवर अप होगा वहाँ पे मैं एमसीक्यू के थ्रू आप लोग का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, और जिसका अच्छा हो पाएगा भाई वो विनर है। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो सिस्टमेटिक वे में अनअकैडमी के साथ पढ़ना, तो अनअकैडमी के सीयूटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग पढ़ सकते हो अनअकैडमी प्लस में, जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, टेस्ट और क्विजेस अवेलेबल होने वाले हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन करने वाले हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी के सभी कोर्सेज में। साथ ही साथ यार जब भी आप लोग अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो या किसी भी टाइप के अनअकैडमी की फ्री क्लास को एनरोल करते हो, उस टाइम अगर कोड मांगता है तो आप लोग मेरा कोड ZQLive यूज करें, जिसके थ्रू आप लोग की फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। और साथ में जब भी आपको डिस्काउंट चाहिए ऑन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान में, तब भी आप लोग मेरे कोड को यूज कर सकते हो जिसका नाम है ZQLive, जिसके थ्रू इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग को करना क्या है भाई, अन अकेडमी में मुझे फॉलोअप कर लेना है, टेलीग्राम के चैनल मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसके थ्रू सारी अपडेट्स आप लोग को मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट सारी अप टू डेट्स अपडेट्स सब कुछ मिलते रहती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो चलिए एंड करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, और मिलता हूँ मैं आप लोग के साथ बहुत जल्दी, जब तक के लिए गुड बाय।